नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार में कोरोना काल के दौरान हुई बड़ी लापरवाही, खराब मास्क और घटिया पीपीई किट से गई डॉक्टरों की जान। बिहार में कोरोना महामारी के दौर में आम लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की भी जान गई है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की मौत का कारण जानने के लिए IMA की टीम लगातार जाँच में जुटी हुई है। 8 सदस्य जाँच टीम ने अब तक अपनी फाइंडिंग पूरी तो नहीं की है, लेकिन पड़ताल के दौरान जो बातें सामने आई है वह बेहद चौंकाने वाली है। बिहार में डॉक्टरों और मेडिकल कर्मियों की मौत कोरोना वायरस से होने के पीछे सबसे बड़ी वजह सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को दिए गए खराब क्वालिटी के PPE किट और मास्क रहे हैं। IMA सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद फाइनल रिपोर्ट जारी की जाएगी। बिहार में डॉक्टरों की मौत के कारण जानने के लिए IMA ने एक टीम बनाई थी। इस टीम में IMA के चेयरमैन डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह के अलावे डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर BS सिंह, डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा, डॉक्टर बसंत सिंह, डॉक्टर DP सिंह, डॉक्टर राजीव रंजन और डॉक्टर सुनील कुमार शामिल हैं। इस जांच टीम ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच टीम के मुताबिक डॉक्टरों को सरकार की तरफ से दिए गए PPE किट और मास्क की क्वालिटी पर सवाल खड़े किए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टरों को गंभीर हालत में इलाज के लिए बेड और ऑक्सीजन नहीं मुहैया होने पर चिंता भी जताई गई है। साथ ही साथ दूसरी लहर में डॉक्टरों ने लापरवाही और मनमाने तरीके से काम किया है, यह भी मौत की एक बड़ी वजह है। छठ की छुट्टियों के बाद ऑफलाइन मोड में खुलेंगे स्कूल, 50% अटेंडेंस की लिमिट भी होगी खत्म। कोरोना जैसी महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई। लगभग 2.5 साल से जूनियर सेक्शन के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में ऑफलाइन मोड में स्कूल खुले तो सिर्फ तीसरे लहर की आशंका से डरे अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। लेकिन अब दीपावली और छठ की छुट्टियों के बाद राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर स्कूलों में जूनियर क्लासेस ऑफलाइन मोड में देखने को मिलेगा। छठ की छुट्टियों के बाद अब जब स्कूल खुलेंगे तो 50% अटेंडेंस की बाध्यता भी खत्म कर दी जाएगी। LKG और UKG की पढ़ाई अब कोरोना महामारी के बाद शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब प्री प्राइमरी के बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। पटना के ज्यादातर स्कूलों ने इसकी तैयारी कर ली है। राजधानी के कई बड़े स्कूलों में ऑफलाइन बोर्ड में क्लास शुरू कर दिया गया है। महंगाई की भीषण मार के लिए तैयार रहिए, कुछ महीने में 150 रुपये होगा पेट्रोल का भाव, डीजल के दाम में भी होगा भारी इजाफा। देश में पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस के बढ़ते दाम से अभी ही परेशान है तो आपकी मुसीबतें और बढ़ने वाली है। कुछ महीने बाद भारत में पेट्रोल का दाम 150 रुपये प्रति लीटर तक जा सकता है, डीजल का भाव भी 140 रुपये तक जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रिसर्च में ये बातें सामने आई है। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफे के कारण दूसरे सामानों के भाव में भी भारी वृद्धि होगी। ये खबर लोगों को परेशान करने वाली है। भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने पहले ही आम आदमी को मुश्किलों में डाल रखा है। देश के लगभग सभी इलाकों में पेट्रोल का भाव 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर है। देश के ज्यादातर शहरों में डीजल का भाव भी 100 रुपये से ज्यादा हो गया है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते भाव ने कई और सामानों की कीमत में इजाफा कर दिया है। बिहार पुलिस में 1400 पदों पर होगी बंपर बहाली, सरकार का बड़ा फैसला। बिहार सरकार बंपर बहाली लेकर आई है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 1400 पदों पर बहाली की जानी है। सूबे के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के परिसर में ही अग्निशमन केंद्र यानी कि फायर ब्रिगेड सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि आग लगी या इमरजेंसी की घटना होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। पहले चरण में राजधानी के 4 सरकारी अस्पतालों का चयन अग्निशमन केंद्र के लिए किया गया है। इसके बाद इसका विस्तार दूसरे सरकारी अस्पतालों के साथ बड़े निजी अस्पतालों में भी किया जाएगा। गृह विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पटना के न्यू गार्डिनर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल और दानापुर अनुमंडल अस्पताल में सबसे पहले अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। इसको लेकर गृह विभाग की पुलिस पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी है। भवन या जगह की व्यवस्था अस्पताल की ओर से कराई जाएगी। इसके अलावा अग्निशमन कार्य से संबंधित उपकरण की आपूर्ति बिहार अग्निशमन कार्यालय के द्वारा की जाएगी।
जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर बोला बड़ा हमला, कहा उपचुनाव के पहले ही तेजस्वी ने हार कबूला, इसीलिए प्रवचन दे रहे हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि उपचुनाव से पहले तेजस्वी ने हार स्वीकार कर लिया है और शायद इसी कारण से वे प्रवचन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश पर तेजस्वी के दिए गए बयान के बाद जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। नीरज कुमार ने कहा कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में होने वाले उपचुनाव से पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने अपना हार स्वीकार कर लिया है और शायद इसी बात से वे बौखलाहट इस तरह अनाप शनाप बोल रहे हैं। नीरज कुमार ने कहा कि बिना मतलब के तेजस्वी यादव प्रवचन देने का काम कर रहे हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि सजायाफ्ता पिता लालू प्रसाद यादव की मदद तेजस्वी ने होने वाले उपचुनाव में ली है, लेकिन लालू की मदद लेने के बावजूद उनमें आत्मविश्वास की भारी कमी दिख रही है। बक्सर में वायरल बुखार के तो बिहार शरीफ में डेंगू व चिकनगुनिया के बढ़े मरीज, जाने सावधानी व बचाव के उपाय। बिहार के बक्सर जिले में इन दिनों वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। सदर अस्पताल में प्रतिदिन आने वाले 600 मरीजों में 250 तक की संख्या केवल वायरल बुखार की मरीजों की रह रही है। इन दिनों वायरल बुखार के मरीजों की प्लेटलेट्स भी गिर रहे हैं। वहीं बिहार शरीफ में डेंगू व चिकनगुनिया के मरीज अधिक मिल रहे हैं। बदलते मौसम में वायरल फीवर से लेकर डेंगू व चिकनगुनिया के मरीज चिन्हित होने लगे हैं। इस मौसम में सभी लोगों को इन बीमारियों के प्रति हमेशा सजग रहने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही बरती गई तो सेहत खतरे में पड़ सकती है। मौसम परिवर्तन होने पर लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे एक साथ कई बीमारियां शरीर में प्रवेश कर जाती है। पटना के बाद दरभंगा बना बिहार का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब। 10 जिलों में 57% उच्च शिक्षण संस्थान। ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में शिक्षण संस्थाओं की असल संख्या 916 हो गई है। हालांकि इनमें से 57% उच्च शिक्षण संस्थान केवल 10 जिलों में है। यही नहीं, प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकित होने वाले करीब 16 लाख विद्यार्थियों में 69% नामांकन केवल 12 जिलों के उच्च शिक्षण संस्थानों में हुए हैं। इस तरह उच्च शिक्षा के अवसर कुछ ही शहरों एवं जिलों में सिमटते जा रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2019-20 के डाटा पर आधारित यह रिपोर्ट से साफ है कि कम शिक्षण संस्थानों वाले जिलों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अपने शहर या जिले से बाहर जाना पड़ रहा है। वहीं कुछ जिलों के शिक्षण संस्थानों में उनकी क्षमता कई गुना अधिक विद्यार्थियों का दबाव है, जहाँ प्रति शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों की संख्या 3 से 4 हजार के बीच तक है, जो राष्ट्रीय अनुपात से करीब 2 गुना अधिक है। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मना सकेंगे छठ पूजा, डीडीएमए की बैठक में लिया गया फैसला। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा अब दिल्ली में भी मनाई जाएगी। दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति दी गई है। डीडीएमए की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा के आयोजन की अनुमति मांगी थी। इसे लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी यानी कि डीडीएमए के चेयरमैन अनिल बैजल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा था, जिसके बाद डीडीएमए ने बीते बुधवार को बैठक बुलाई थी। डीडीएमए की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब दिल्ली में लोक आस्था का महापर्व का आयोजन होगा। दिल्ली के सार्वजनिक स्थलों पर इसका आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। बिहार में जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल, पटना में एनएमसीएच के प्रिंसिपल का घेराव, वेतन बढ़ाने के लिए धरने पर बैठे डॉक्टर। इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। पटना के दो बड़े अस्पताल पीएमसीएच और एनएमसीएच में डॉक्टर धरने पर बैठ गए हैं। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने एनएमसीएच के प्राचार्य से भी मुलाकात की है। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल के कारण पीएमसीएच और एनएमसीएच में मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। बिहार के अन्य अस्पतालों में भी मरीज काफी परेशान नजर आ रहे हैं, इलाज में बाधा आ रही है। हड़ताल के कारण कई अस्पतालों में ओपीडी और कुछ अन्य विभागें ठप हो गई हैं, जिसकी वजह से मरीजों के इलाज में काफी बाधा आ रही है। इमरजेंसी सेवा को छोड़ किसी भी सेवा में डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं गए हैं। इधर पटना के एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों में आक्रोश बढ़ गया है। नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल से इन्होंने मुलाकात की है। आपको बता दें कि पिछले साल 2020 के दिसंबर महीने में कोरोना काल के दौरान 10 दिनों की हड़ताल के बाद सरकार ने मांगे मान ली थी, लेकिन अब तक नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उस पर ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण जूनियर डॉक्टरों में नाराजगी देखी जा रही है।
बिहार में खुलेंगे 21 नए सीएनजी स्टेशन, जानिए किस किस शहर में खुलेंगे। औरंगाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में अगले 2 माह में दिसंबर तक 21 नए सीएनजी स्टेशन खुलेंगे। इसके बाद पटना में अभी सीएनजी स्टेशन की कुल संख्या बढ़कर 18 हो जाएगी। फिलहाल पटना में 12 सीएनजी स्टेशन कार्यरत है, जबकि बेगूसराय में 2, रोहतास, गया, नालंदा में 1-1 सीएनजी स्टेशन काम कर रहा है। बुधवार को नए सीएनजी स्टेशन की स्थापना एवं पाइपलाइन के विस्तार के संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने गेल, IOCL, थिंक गैस, IOGPL सीएनजी प्रोवाइडर्स के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी संबंधित कंपनियों को निर्देश दिया है कि प्रमुख शहरों में नए सीएनजी स्टेशन खोलने की कार्रवाई करे, ताकि सीएनजी चालित वाहनों को आसानी से सीएनजी उपलब्ध कराया जा सके। परिवहन सचिव के समक्ष सभी कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा सीएनजी स्टेशन के प्रगति एवं भविष्य की योजनाओं को भी प्रस्तुत किया। बताते चले कि सीएनजी स्टेशन के स्थापना के लिए 4 विभिन्न कंपनियों द्वारा जिले में कार्य चल रहा है। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और गया में दिसंबर माह तक सीएनजी स्टेशन खोलने की कार्रवाई की जाएगी। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।